हेलो टू ऑल ऑफ यू। फाइनली आज वो डे आ ही गया जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था, नीट एग्जामिनेशन डे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द C3 फैमिली, फ्रॉम द चौहान कोचिंग क्लासेस, द कंप्लीट टीम। मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज वो दिन है जब आप लोग अपने नाम का प्रीफिक्स चेंज करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ योर लाइफ बिकम कम्प्लीटली चेंज। अब आपके नाम का प्रीफिक्स मास्टर या मिस जो अब तक चलता आ रहा था 12 सालों से 13 सालों से, वो अब चेंज होने जा रहा है डॉक्टर, जस्ट लाइक एज द मास्टर XYZ मिक्स XYZ टू द डॉक्टर XYZ। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने तैयारी की है, जिस जोर शोर के साथ आपने इस युद्ध की तैयारी की है, उस युद्ध को अब विराम देने का, अंजाम देने का वक्त आ गया है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करिएगा, आपको जो आता है उसको बहुत अच्छे से करिएगा। जिन सवालों में भी थोड़ा सा आपको डाउट लगता है उन्हें लेफ्ट आउट करिएगा। जब तक कॉन्फिडेंस ना हो पूरा तब तक क्वेश्चन को नहीं करेगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। बहुत अच्छे से आप पेपर देंगे और मुझे पता है कि आप लोग कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि पहले कंसंट्रेट होकर के बैठना है, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, कि आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी कि हमारे साथ क्या होगा। यार क्या होगा वो बात की बात है, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में लाइव रहना है आपको। ना क्या पढ़ा आप लोगों ने, ना क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। जो चल रहा है वो अभी चल रहा है, जो चलेगा वो अभी परफेक्शन के साथ चलेगा। सेकंड, अगर हम लोग बात करें तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें ये आता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कैसे करना है क्वेश्चन को। पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, हमसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, ये सोचेंगे नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा के नहीं पढ़ा। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखेंगे। तीसरी चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान में रखना है, किस चीज को कैसे करना है, आपने जो प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। जैसे आपकी अगर बायो स्ट्रांग है तो पहले बायो करना है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो पहले केमिस्ट्री करना है, पहले स्ट्रांग सब्जेक्ट को करना है। पेपर को आपको 3 अटेम्प्ट्स में करना है। कैसे, कि अगर हम लोग सबसे पहले वो क्वेश्चन जो सिंगल स्लॉट में हमें आते होंगे, उसके बाद जो नहीं आते या फिर जिनका फॉर्मूला थोड़ा बहुत हमें याद है उनको सर्कल कर दीजिए। थर्ड बात की अगर हम लोग बात करें तो जो नहीं आते बिल्कुल ही नहीं आ रहे आपको, उनको क्रॉस आउट कर दीजिए। सेकेंड राउंड में हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनको हमने सर्कल किया था। थर्ड राउंड में उनको ट्राई करेंगे, सिर्फ यहाँ ट्राई करेंगे, अगर पूरा सॉल्व हो जाता है कॉन्फिडेंस के साथ तो ही उन्हें टिक करेंगे। देन OMR को भरते जाएंगे साथ के साथ, कोई गलती ना करें, क्वेश्चन देखते जाएं, OMR भरते जाएं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप इस दुनिया का वो दर्जा पाने जा रहे हैं जिसे भगवान के समतुल्य माना जाता है। दुनिया में भगवान बनने जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति आपके पास एक आस लेके आएगा, क्योंकि आज से आपका नाम चेंज होने की कगार पर है। इतने सारे बच्चों में आपको को अपनी सीट कैप करनी है, ये कोई नहीं सोचेगा कि सीटें कम हैं। अरे भाई आपको तो एक सीट चाहिए जिसके लिए आपने साल भर से मेहनत की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस।